हेलो दोस्तों, बिहार बोर्ड के इस सुपर फास्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं सुपर फास्ट क्लास जो ट्वेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है 2024 के लिए। साथियों, आज की क्लास में हम लोग 70 ऐसे फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है और फिर से 2024 में पूछे जाने की संभावना बनती है। तो चलिए फटाफट से, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की क्लास को हम लोग करते हैं फटाफट से चालू ताकि कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा और फटाफट से अपना क्वेश्चन और आंसर की सिर्फ बात करेगा। चलिए सुपर फास्ट क्लास में पहला नंबर सवाल का जवाब बताइए कि कूलॉम बल एक प्रकार का क्या है? केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, ए और बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? कूलॉम बल को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे केंद्रीय बल बोलते हैं, विद्युत बल बोलते हैं या दोनों बोलते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा आप लोग, कूलॉम बल जो होता है वो केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है, यानी विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपको जब यहाँ पे पता होगा, जब धारा बहती रहती है और बीच में कोई उसका प्रतिरोध आ जाए, यानी आप स्पीड में जा रहे हैं, ठीक है, आप स्पीड में जा रहे हैं और कोई बीच में कोई रोकने वाला आ गया, उससे आप टकरा के गिर गए, यानी आप हीट हो गए, उस समय क्या होता है? प्रतिरोध जो होता है वो तापीय ऊर्जा को किसमें, सॉरी विद्युतीय ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? तो ताप में परिवर्तित कर देता है, यानी ये जो है प्रतिरोध का कार्य है। पूछा गया कि परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है, तो प्रतिरोध के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से तीसरा नंबर कहता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में भुजा प्रतिरोध PQR और S हो तो संतुलन की स्थिति बताइए। याद रखिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज से 5 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उसको तैयार कर लीजिएगा। निश्चित रूप से मान के चलिए कि व्हीटस्टोन का ब्रिज का जो क्वेश्चन बनता है 5 नंबर में, वो आपसे पूछा जाएगा। सिंपल सा उसका सोल्यूशन है और सोल्यूशन आप उसको कर लीजिएगा पूरी तरह से, क्योंकि सवाल जो है व्हीटस्टोन आपसे पूछेगा निश्चित रूप से। तो ये जो है इसका पूरा सोल्यूशन आता है, पी ऊपर आता है, क्यू नीचे, बराबर आर और एस के बराबर होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। रिजल्ट जो आता है यही आता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, संतुलन की स्थिति में पूछेगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से 4 नंबर कहता है, किसी धातु का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध में क्या होता है? किसी धातु का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है या इनमें से कोई नहीं? बताइए, किसी धातु का अगर ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? ताप बढ़ रहा है तो प्रतिरोध बढ़ेगा, घटेगा, नियत रहता है, इनमें से कोई नहीं? ताप अगर आप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध में क्या अंतर पड़ता है? तो याद रखिएगा वो बढ़ता है, प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से चलते 5 नंबर सवाल की ओर सुपर फास्ट क्लास, और फटाफट से आप लोग भी शेयर करते चलिए अपने दोस्तों, भाई बहन सभी के पास, और 5 नंबर सवाल का सोल्यूशन करेंगे। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध यहाँ पे कितना होता है? अनंत होता है, 0, 50,000 ओम होता है या इनमें से कोई नहीं? तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है, याद रखिएगा 5 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है, अनंत होता है। आदर्श से क्या होगा? अ से अनंत और आ से आदर्श। वोल्ट मीटर का पूछेगा तो वोल्ट यानी ओल्ट, ओ मतलब जीरो, तो वोल्ट मीटर का जब भी पूछेगा याद रखिएगा किसका? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का पूछेगा तो शून्य होता है, लेकिन आदर्श मीटर के आपसे अगर पूछा गया अनंत, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल इस प्रश्न के लिए राइट है। 6 नंबर सवाल को देखते हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और ध्यान से पढ़ेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं। कहता है, समान आवेश के दो कण ए और बी समान विभव में त्वरित होने के बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करके R1 और R2 की त्रिज्या के क्रम से वृत्तीय मार्ग को बनाता है, तो ए और बी के द्रव्यमानों का अनुपात बताइए। फाइनली इसका आंसर आप याद रख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है R1/R2 का होल स्क्वायर, यही इसका मेन क्या होता है, फॉर्मूला निकल के आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस प्रश्न के लिए राइट है। कभी भी ऐसा प्रश्न आपको देगा और घुमा फिरा के भी दे तो ऑप्शन नंबर आप सी मार के आएंगे, बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। 7 नंबर सवाल है कि एम्पियर छोटा मात्रक है, एम्पियर छोटा मात्रक है किसका? शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का या विभवांतर का? एम्पियर यानी जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो एम्पियर जो है वो छोटा मात्रक है, या सीधे आपसे पूछा जाएगा एम्पियर किसका मात्रक है? शक्ति का है, आवेश का है, ऊर्जा का या विभवांतर का है? तो फटाफट से इसका आंसर आप लोग बताएंगे। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए, इसी में इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, या स्टडी विथ रवि टेलीग्राम चैनल का नाम है, सेम लोगो आपको मिल जाएगा वहां पे, और जाके आप लोग वहां पे ज्वाइन हो जाइए। सभी पीडीएफ वहां पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो एम्पियर जो है यहाँ पे किसका मात्रक है? यहाँ पे आवेश का मात्रक है। आवेश को हम लोग किसमें मापते हैं? एम्पियर में।
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। शक्ति की बात करें, शक्ति किसके किसमें मापते हैं, तो वाट में मापते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। जूल की बात करें, जूल जो होता है ऊर्जा को हम लोग जूल में मापते हैं, ये भी याद रखिएगा। आठ नंबर सवाल है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बताइए, टेस्ला, हेनरी, वेबर या जूल प्रति सेकेंड, या जूल सेकेंड जिसे बोलते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है सबसे ज्यादा बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, कितना बार, सबसे ज्यादा बार, याद रखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है, याद रखिए, सात नंबर सवाल में क्या था, आवेश, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी था, बिल्कुल राइट सभी का आ रहा है। और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक अगर पूछेगा तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे वेबर में हम लोग क्या करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को मापते हैं। नौ नंबर सवाल है कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है किस विधारा के उसमें प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर या प्रेरित विद्युत पर। तो डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पे आधारित है, इसका जवाब आप लोग फटाफट से बताइए, ये जो सिद्धांत है किस पे आधारित है डायनेमो का। तो डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत आधारित है, नौ नंबर सवाल का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है जो कि बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से दस नंबर कहता है कि तप्त तार आमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का क्या, उच्चतम मान, औसतन मान, मूल, औसत, वर्ग धारा या इनमें से कोई नहीं। तो तप्त तार आमीटर क्या मापता है, दस नंबर सवाल का जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, औसत मान उसका मापता है क्या तप्त तार, याद रखिएगा किसका मापता है, तो प्रत्यावर्ती धारा का, किसका, प्रत्यावर्ती धारा, यहाँ पे याद रखिएगा। सबसे ज्यादा बार ऐसे प्रश्न पूछे गए आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में। ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है, यानी ट्रांसफार्मर का कोड कौन से ऐसे पदार्थ से बनाया जाता है, मुलायम इस्पात से, तांबा का इस्तेमाल किया जाता है, स्टेनलेस स्टील या अलनीको का इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का कोड बनाने में याद रखिएगा किसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे मुलायम इस्पात का, बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, मुलायम इस्पात का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग दूसरे तरफ से चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करते हैं। तो फटाफट से आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते चले ताकि सभी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ जाए। 12 नंबर सवाल यहाँ पे तोपा गया है, इसका आंसर मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल चार्ल्स हेनरी होगा, लेकिन यहाँ पे ये पेज मोड़ने के कारण छिप गया है। चलिए आगे बढ़ते, 13 नंबर सवाल है कि चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर डैश होता है, तो चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने किसी बिंदु पर होता है क्या, ऑप्शन नंबर गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र होता है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 13 नंबर सवाल का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, वैद्युत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 14 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से महत्तम वेधन क्षमता किसकी होती है, MBVA क्वेश्चन से आपके एग्जाम के लिए बार बार बिहार बोर्ड ने इसे पूछा है, यानी PYQ जब आप उठा के देखेंगे, क्वेश्चंस बैंक जब आप उठा के देखेंगे, किसमें, क्वेश्चंस बैंक में भी ये सवाल आपको मिल जाएगा। और सबसे ज्यादा बार ये सवाल पूछा गया है कि महत्तम भेदन क्षमता किसकी होती है, एक्स किरण, कैथोड किरण, अल्फा किरण या गामा किरण। तो याद रखिएगा सबसे भेदन क्षमता जो सबसे ज्यादा होती है वो किसकी होती है, तो वो अल्फा गामा किरण की होती है, किसकी होती है, गामा किरण, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। 15 नंबर सवाल है कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, एक गोलीय दर्पण है इस प्रकार का, उसे हम पानी में डाल दिए, वाटर में इधर डाल दिए, तो इसकी फोकस दूरी में क्या अंतर आएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अचर रहेगा यानी सेम रहेगा या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है। तो गोलीय दर्पण की यहाँ पे बात की है, जब उसे आप वाटर में डुबा देंगे तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा, इसका जवाब आपको बताना है। ये भी सवाल बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो उस पर क्या होगा, कोई असर नहीं पड़ता है गोलीय दर्पण पर, याद रखिएगा। अगर अलग प्रकार का दर्पण रहता है, उत्तल अवतल, तो उस पर प्रेशर पड़ता है, तो वो अलग तरीके के व्यवहार कर सकता है, लेकिन गोलीय दर्पण क्या होता है, वो अचर रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 16 नंबर सवाल को देखिए जरा, और ये सवाल की बात करें तो सबसे ज्यादा बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कहता है एक प्रकाश किरण कांच अपवर्तनांक यहाँ पे 5/3 दिया हुआ है, और पानी का अपवर्तनांक 4/3 दिया हुआ जा रहा है, तो क्रांतिक कोण होगा, क्रांतिक कोण यहाँ पे कितना होगा, तो याद रखिएगा क्रांतिक कोण जो है इस प्रश्न के लिए साइन इनवर्स 4/5 होता है, 4/5 आप सीधे याद रखिए, और ये सेम टू सेम सवाल पूछे जाते हैं, अपवर्तनांक बिल्कुल आपको पता ही होगा पानी का और कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पे दिया गया है कि सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकीर्णन पर, अपवर्तन पर, वर्ण विक्षेपण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर।
तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, ऑप्टिकल फाइबर आपको पता होगा कुछ इस तरह के होता है, और उसमें इस प्रकार अगर लाइट को डाला जाता है तो ऐसे 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 वो सबसे ज्यादा इसका उपयोग रोड के साइड में आप देखते हुए का पाइप डाली जाती है, उसमें इसका यूज किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर का। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकीर्णन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। तो ऑप्टिकल फाइबर याद रखिएगा, ये जो सिद्धांत पे आधारित है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे है। वो क्या करता है, मान लीजिए इस प्रकार के अगर आपके पास पाइप है, एक लाइट आप मतलब सूचना में सबसे ज्यादा, सूचना भेजने में सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। एक लाइट इसको आपने इस पर डाला और ये फिर क्या किया, यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर इस पर गया और फिर इस प्रकार इस प्रकार, यानी अंधेरे में भी किसी सूचना को ये एक जगह से दूसरे जगह भेजने का कार्य करता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है कि लेंस की शक्ति का मात्रक बताइए। लेमडा होगा, कैंडेला होगा, डायोप्टर होगा या वाट होगा, बताइए कि लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको यहाँ पे पता होगा लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक जो है वो डायोप्टर में हम लोग मापते हैं। किसमें? डायोप्टर में हम लोग लेंस की शक्ति मापते हैं, याद रखिएगा। और शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है, ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर की, सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और सीधा या वास्तविक और उल्टा। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब यहाँ पे क्या होता है ये आपको बताना है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब जो होता है, 19 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए आभासी और सीधा होता है। क्या होता है? आभासी होता है, बल्कि सीधा प्रतिबिंब वहां पे बनता है। 20 नंबर सवाल है कि प्रकाश तरंग होता है, प्रकाश तरंग यहाँ पे कैसा होता है ये जवाब आपको बताना है। प्रकाश तरंग यहाँ पे कैसा होता है? अनुप्रस्थ तरंग होता है, अनुदैर्ध्य होता है, परगामी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंग जो होते हैं, 20 नंबर सवाल का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आ रहा है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अनुप्रस्थ तरंग होती है, प्रकाश तरंग एक प्रकार का अनुप्रस्थ होती है। 21 नंबर सवाल है कि किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। मान लीजिए एक अवरोध आ गया, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ये क्या हुआ, यहाँ से प्रकाश मुड़ गया, इस प्रकार यहाँ पे मुड़ गया प्रकाश। इधर से तो सीधा आया, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुड़ गया। तो इसको मुड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? विक्षेपण, विवर्तन, अपवर्तन या व्यक्तिकरण। सबसे हाईलाइट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए है और बार बार पूछा गया है, तो 2024 में भी पूछे जाने की संभावना है। तो अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना यहाँ पर जो होता है उसे हम लोग विवर्तन कहते हैं। क्या होता है? विवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 MeV ऊर्जा वाले फोटोन का संवेग होगा। तो 1 MeV यहाँ पे पूछा है और ऊपर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया है, तो वोल्ट ऊर्जा यहाँ पे पूछा है, वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन का संवेग पूछा है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है 5×10²-22 किलोग्राम प्रति सेकेंड यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। 23 नंबर सवाल है कि अल्फा तरंग धैर्य वाले फोटोन की ऊर्जा है, सॉरी लेमडा यहाँ पे लेमडा तरंग धैर्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? एच सी लेमडा या HcY लेमडा, HlambdaYc या Hyλc। सबसे ज्यादा बार ये भी सवाल आपके एग्जाम के लिए है, यानी हम इसे गेस क्वेश्चंस कह सकते हैं। कब के लिए? 2024 के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। बार बार आपके एग्जाम में ये सवाल को पूछा गया है, याद रखिएगा। और बहुत बार PYQ में पूछे गए हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये आपसे पूछा गया है। तो लेमडा तरंग धैर्य वाले फोटोन की जो ऊर्जा होती है, याद रखिएगा यहाँ पे क्या होती है? HcY लेमडा होती है। एच को ध्यान रखिएगा और सी को, सिर्फ इस पर फोकस कीजिए। एच और सी जो होता है ऊपर होता है, बाकी बार लेमडा सिर्फ नीचे होता है। ये प्रश्न आपको 1 नंबर 2024 में दिलाकर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग नजर डालते हैं। कहता है कि जब कोई हाइड्रोजन परमाणु न्यूनतम ऊर्जा अवस्था से उद्दीपित होकर, यानी नीचे से ऊपर जाकर चतुर्थ कक्षा में आ जाता है, तो यह अधिकतम कितनी वर्णक्रम रेखाओं उत्सर्जित कर सकता है? चतुर्थ कक्षा में चला गया, यानी कितने वहां पे ये रेखाएं उत्सर्जित करेंगे? तो यहाँ पे रेखाएं जो है टोटल 6 करेंगे। 4 में तो हो गया, लेकिन 2 को नीचे छोड़ के गया, तो टोटल कितना हो गया? 4+2 यानी 6 यहाँ पे रेखाएं उत्सर्जित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा इस प्रश्न के लिए, 24 नंबर सवाल के लिए बिल्कुल राइट होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। 25 नंबर सवाल पर जरा नजर डालते हैं। कहता है रिडबर्ग नियतांक का मात्रक है। रिडबर्ग नियतांक का मात्रक यहाँ पे आपसे पूछा गया है, फटाफट से इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है? मीटर इनवर्स होता है, या मीटर होता है, सेकंड प्रति सेकंड होता है, या सेकंड होता है। तो रिडबर्ग नियतांक का मात्रक जो होता है, याद रखिएगा 25 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए मीटर इनवर्स यहाँ पे होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा ए का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट है। 26 नंबर सवाल
निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है? आवेश रहित कण इनमें से कौन सा है, इसका जवाब बताइए। कौन आवेश रहित कण है? जी हाँ बिल्कुल, इसका जवाब बताना है अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन या फोटोन। तो आवेश रहित कण जो है, यहाँ पे याद रखिएगा आवेश रहित पूछा है। तो अब 26 नंबर सवाल का जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी सभी कह रहा है फोटोन। बिल्कुल यहाँ पे फोटोन जो है, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, फोटोन। प्रोटोन यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे, और आवेश रहित कौन होता है, फोटोन होता है। डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है 26 नंबर सवाल का जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 27 नंबर पर फटाफट से। कहता है कि अल्फा किरणें हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, ऋण आवेश कण, धन आवेश कण या आवेश रहित कण। तो अल्फा कण कैसी होती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे आवेश धन आवेशित कण होती है। अल्फा कण कैसी होती है, धन आवेशित कण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, अर्धचालक में अशुद्ध मिलाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल है और बार बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया, बार बार आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा गया कि अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। ये सवाल जो है आपकी केमिस्ट्री में भी पूछी जाएगी, किसमें, केमिस्ट्री में भी ये सवाल बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। तो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया हम लोग क्या बोलते हैं, जब अर्धचालक में अशुद्धि को मिलाते हैं ताकि वो चालक बन सके, उस प्रक्रिया को हम लोग डोपिंग कहते हैं। डोपिंग के अनुसार हम लोग अशुद्धि मिलाते हैं किसमें, अर्धचालक में। 29 नंबर सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है। कहता है एन प्रकार के अर्धचालक के मुख्य धारावाही होते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाही क्या होते हैं, प्रोटोन होते हैं, होल होते हैं, अल्फा कण होते हैं या इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाही जो होते हैं, 29 नंबर सवाल का जवाब याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं एन प्रकार का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध कैसा होता है? जी हाँ, ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध कैसा होता है, बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो ताप बढ़ने पर अर्धचालक जब पूछेगा तो ध्यान से इसको सेट कर लीजिए अपने माइंड में, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो ताप बढ़ने से अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, घट जाता है, और चालक का अगर पूछेगा तो बढ़ जाता है। चालक में क्या होता है साथियों, चालक में क्या होता है, बढ़ जाता है, लेकिन अर्धचालक जब आपसे पूछा गया है तो अर्धचालक में क्या होता है, घटता है। पीएच संधि डायोड का उपयोग करते हैं, पीएच संधि डायोड का उपयोग किसमें करते हैं, प्रवर्धक, दोलन, मेडुलेटा, दृष्टिकारी की तरह। तो पीएच संधि डायोड का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, दृष्टिकारी की तरह, यहाँ पे बिल्कुल राइट है। पी प्रकार और एन प्रकार का अर्धचालक होता है विद्युतीय उदासीन, विद्युतीय धनात्मक, विद्युतीय ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो पी प्रकार और एन प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं वो कैसे होते हैं, सभी का जवाब आना चाहिए, कैसे होते हैं, बिल्कुल विद्युत उदासीन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सुपर फास्ट क्लास ये हमेशा इसी समय पे आती रहेगी, तो जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं हो जाता तब तक ऐसी क्लास आती रहेगी और सभी इंपोर्टेंट क्लास सुपर फास्ट क्लास में आएगी। ये ऊंचाई के एंटीना से टीवी संकेत अधिकतम दूरी तक प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर ये ऊंचाई के एंटीना है तो टीवी संकेत अधिकतम दूरी तक कितना आप अधिकतम दूरी तक उसके प्राप्त कर सकते हैं एंटीना के सहायता से। 33 नंबर सवाल का जवाब जो है सभी का ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, 2√2hr, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। भू तरंगे का ध्रुवन, कहते हैं भू तरंगे का ध्रुवन होता है किसी भी दिशा में 60 डिग्री के कोण पर लंबवत या समानांतर। तो भू तरंगे का ध्रुवन जो होता है किस दिशा में होता है, भू तरंगे का ध्रुवन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सभी का सी आ रहा है, लंबवत होता है, यहाँ पे बिल्कुल राइट है, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। संचार तंत्र का भाग नहीं है, प्रेशर नहीं है, संचरण नहीं है, अभिग्रहण नहीं है या ऊर्जा नहीं है। तो संचार तंत्र का जो भाग नहीं है, प्रेशर, संचरण, अभिग्रहण या ऊर्जा, कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, ऊर्जा, बिल्कुल ऊर्जा यहाँ पे क्या है, नहीं है। 35 नंबर सवाल का जवाब क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आ रहा है, बिल्कुल। अभिग्रहण तो संचार तंत्र का भाग है, संचरण भी है, प्रेशर भी है, लेकिन यहाँ पे ऊर्जा नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। प्रकाश के रंग का कारण बताइए, इसकी आवृत्ति के कारण, इसका वेग, इसकी कला या इसका आयाम। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि प्रकाश के रंग का कारण बताइए, तो प्रकाश के रंग का कारण जो होता है ऑप्शन नंबर बी, इसका वेग होता है। क्या होता है, इसका वेग, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी का तरंगाग्र होता है,
किस बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी का तरंगाग्र पूछा गया, गोलाकार, बेलनाकार, समतल या वृत्ताकार? कैसा होता है, किसी लंबवत स्रोत से परिमित दूरी का तरंगाग्र कैसा होता है, इसका जवाब आप लोग बताएंगे। 37 नंबर सवाल का जवाब सभी का आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सभी का क्या आ रहा है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सभी का क्या आ रहा है? 37 नंबर सवाल का जवाब आ रहा है सभी का, ऑप्शन नंबर ए गोलाकार, बिल्कुल राइट है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, कहता है 60 वाट, वन मिनट। कहता है 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो इसके सम्मिलित शक्ति होगी। 60 वाट और 40 वाट का अगर दो जोड़ दिया जाए तो इसकी सम्मिलित शक्ति कितनी होगी, ये आपको बताना है 38 नंबर सवाल में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए 100 वाट हो जाएगा, सिंपल, इसको हम लोग जोड़ देते हैं। 39 नंबर सवाल है कि यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफर के प्राथमिक और द्वितीय में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हो तो N1 बड़ा होगा N2 से या N2 बड़ा होगा N1 से, बराबर होगा या 0 के बराबर होगा, तो कितना होगा? पहले यहाँ पे ऊंचाई ट्रांसफर दिया गया है और फिर प्राथमिक और द्वितीय का बात किया है, तो ये भी सवाल बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी हम इसे MBBI क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बोलेंगे। 39 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे N2 बड़ा होता है N1 से, याद रखिएगा N2 यहाँ पे क्या है, 2 एक से क्या होता है, 2 यहाँ पे क्या होता है, 12 होता है, 2 क्या होता है, 12 होता है, तो आप लोग यहाँ पे 12 को पहले देखेंगे, N2 बड़ा है N1 से। ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ पे आपसे पूछा गया, बताइए कि ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या शून्य हो जाता है? तो ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध की बात की है, तो विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ पे घट जाता है, याद रखिएगा। 41 नंबर सवाल है कि वैद्युत द्विध्रुव की निश्चय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक कैसा होता है? तो वैद्युत विभव का व्यंजक जो होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, शून्य होता है, बिल्कुल राइट है। फटाफट से आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते चले, लाइक फटाफट से कर दे, शेयर भी कर दे, ताकि सभी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके और अपनी 400 की पार पहुंच सके। फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को, लाइक सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। हम लोग आगे आप लोग बढ़ चुके हैं अगला नंबर सवाल पे फटाफट अंदाज में, सुपर फास्ट क्लास का यही खासियत है। चलिए 42 नंबर का क्वेश्चन से आपके स्क्रीन के सामने, एल परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, एल परिपथ का यहाँ पे एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? तो एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक जो होता है वो कितना होता है, याद रखिएगा यहाँ पे आर बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांक नियतांक की बीमा होती है, सबसे ज्यादा बार आपके बीमा के सवाल से ये सवाल पूछा गया है, हाइएस्ट सवाल ये आपसे एग्जाम में पूछा गया सबसे ज्यादा बार, तो प्लांक नियतांक की जो बीमा होती है वो कितनी होती है? तो प्लांक नियतांक की बीमा याद रखिएगा ML के स्क्वायर T इनवर्स होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नाभिक का घनत्व लगभग कितना होता है? तो नाभिक का घनत्व जो होता है वो लगभग कितना होता है, ऑप्शन नंबर सी 2.29 × 10^17 kg/m³ होता है। एफ एल नोट का मात्रक बताइए, E नोट का मात्रक कितना होता है, न्यूटन मीटर इनवर्स, FM इनवर्स, CB इनवर्स, FM? इस सवाल को आप गेस रखिए 2024 के लिए, क्योंकि ये सवाल बहुत बार पूछा गया है और फिर से पूछा जाएगा आपके 2024 के एग्जाम में। तो E नोट का मान जो होता है कितना होता है, सभी को ऑप्शन में देखना चाहूंगा कितना होता है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है FM इनवर्स, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पाई जाती है? तो दृश्य भाग में जो पाई जाती है कौन सी ऐसी श्रेणी होती है, तो वो बामर श्रेणी होती है, बामर श्रेणी दृश्य भाग में पाई जाती है। लेमडा तरंग धर्रे वाले फोटोन की ऊर्जा, ये प्रश्न मैंने पहले भी करा चुका हूं, बताइए इसका फटाफट से आंसर। तो आपको बताया था HcY लेमडा होती है, HC ऊपर रहता है, लेमडा नीचे रहता है, तो लेमडा तरंग धर्रे वाले फोटोन का ऊर्जा पूछे HcY लेमडा। पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक बताइए, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, होल या प्रोटोन? तो पी प्रकार के पी टाइप के अर्धचालक के मुख्य धारा वाहक क्या होता है? जी हाँ, 48 नंबर सवाल है, बताइए क्या होता है? सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आर, बिल्कुल होल होता है, पी प्रकार में क्या होता है, होल होता है, और एन प्रकार में पूछेगा तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखिएगा। प्रकाशीय पथ बराबर होता है, प्रकाशीय पथ बराबर क्या होता है बताइए, अपवर्तनांक गुणे पथ लंबाई, अपवर्तनांक बट्टे पथ लंबाई,
पथ लंबाई बटे अपवर्तनांक या अपवर्तनांक गुणे पथ लंबाई बटे टू। तो प्रकाशीय पथ बराबर क्या होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए अपवर्तनांक गुणे पथ लंबाई होता है। दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष को अगर आपको दूर करना है तो आप कौन सा लेंस या कौन सा दर्पण जो भी आप यूज करेंगे, दर्पण का यूज बिल्कुल भी नहीं होता याद रखिएगा, लेंस का यूज हम लोग करते हैं दृष्टि दोष के लिए। तो दीर्घ दृष्टि यहाँ पे आपको बताया गया है कि उसको दूर करना है तो कौन सा यहाँ पे उपयोग में आएगा, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस या समतल समतल उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है किसका, आवेश का, विभवांतर का, धारा का, ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 51 नंबर सवाल का जवाब डी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। ऊर्जा का जो मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सबसे ज्यादा बार फिजिक्स के क्वेश्चन में ये सवाल आपसे पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में, तो यानी 2024 में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का पृष्ठीय आवेश घनत्व बताइए। पृथ्वी का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होता है याद रखिएगा, यहाँ पे 52 नंबर सवाल का जवाब जो होगा यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी 10-10^-9 होता है, और 52 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। विद्युतीकरण की निश्चित समान होती है, विद्युतीकरण के निश्चित समान होती है आकर्षण, प्रेरण, अभिकर्षण या चालन, क्या समान होती है, 53 नंबर सवाल का जवाब बताइए। तो ये जो होता है विकर्षण समान होती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच हवा में बल एफ है, हवा के बदले परावैद्युतांक के वाले माध्यम रखा जाए तो बल बताइए, एफ रहेगा, एफ बाई के हो जाएगा, के एफ होगा या एफ बाई रूट अंडर के होगा। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, पिछले ईयर्स में ये सवाल आपसे पूछे गए थे, तो ये जो हो जाता है एफ बाई के हो जाता है। विभवांतर की बीमा होती है, विभवांतर की बीमा क्या होती है, विभवांतर की जो बीमा होती है याद रखिए यहाँ पे एम एल स्क्वायर टी के पावर 3-3 और आई के पावर -1 होती है, यानी डी बिल्कुल राइट है। ये प्रश्न को तो हम बिल्कुल भी 2024 के लिए नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न हार्ड होता है आपके लिए, नीट लेवल के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला सवाल, वायु से इकाई धन आवेश से निकलने वाले फ्लक्स होते हैं, इकाई धन आवेश से पूछा गया है, ई नोट इनवर्स 4π E0 इनवर्स या 4π E0। तो वायु से इकाई धन आवेश से निकलने वाले फ्लक्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो साथियों याद रखिएगा E0 इनवर्स होते हैं। कहता है विद्युतीय द्विध्रुव P को सामान्य विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है तो अधिकतम बल आघूर्ण के लिए कोण होगा, तो जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी इस प्रकार का कोण होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। किसी चालक की लंबाई आधी कर दी जाए, लंबाई आधी कर दी जाए तो इसकी चालकता होगी आधी होगी, कोई परिवर्तित नहीं होगी, दुगुना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो लंबाई अगर आधी कर दीजिएगा तो इसकी चालकता में क्या परिवर्तित होगा, यह तो आपको पता ही है इसकी कोई परिवर्तित नहीं होता है चालकता में, लेकिन प्रतिरोध पूछता तो उसमें क्या हो जाता, लंबाई अधिक कर दी तो कम हो जाता। बाह्य प्रतिरोध आर को सेल के आंतरिक प्रतिरोध छोटा आर से जोड़ा जाता है, परिपथ में धारा अधिकतम होगी, किसमें होगी, ये भी सवाल इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, MBBS सवाल है, और इसका मैं एक ट्रिक बताता हूं याद रखिएगा। यहाँ पे ट्रिक क्या है, ऐसे सवाल का कोई ट्रिक ही नहीं है, असली बात तो यहाँ पे ये है कि इसका जवाब कुछ कहां नहीं जा सकता, यानी वो उसके क्या होता है प्रैक्टिकल जब होता है उस पर निर्भर करता है, कभी बड़ा हो सकता है कभी छोटा। विभवमापी का उपयोग किया जाता है, विभव मापने, धारा मापने, प्रतिरोध मापने, इनमें से कोई नहीं। तो विभवमापी का जो उपयोग किया जाता है वो किसमें किया जाता है, विभवमापी का उपयोग साथियों बताएंगे आप लोग, तो यह विभव मापने में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। किसी चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है, चालक पूछा यहाँ पे, अर्धचालक नहीं, अगर चालक का प्रतिरोध प्रतिरोध क्या होता है, अगर ताप बढ़ाइएगा चालक में, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो बढ़ता है, यहाँ पे क्या होता है, बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक होते हैं, हमने आपको बताया था एन टाइप में क्या होते हैं, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, एन टाइप अर्धचालक में क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। पी टाइप में होल होते हैं। अर्धचालक डायोड में संधि की संख्या बताइए, अर्धचालक डायोड में कितने संधि होते हैं, तो टोटल के टोटल वहां पे एक संधि मात्र पाए जाते हैं। पीएन संधि में अवक्षय परत की चौड़ाई बताइए, तो पीएन संधि में अवक्षय परत की चौड़ाई जो होती है वो याद रखिएगा 1 माइक्रोमीटर होता है। एक्सरे के उत्पादन में
यदि विभव बढ़ता है तो न्यूनतम तरंग घटता है, न्यूनतम तरंग बढ़ता है तीव्र घटता है, तीव्रता बढ़ती है। तो एक श्रेय के उत्पादन में यदि विभव बढ़ता है तो क्या होता है वहां पे, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य घटता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। फोटोन की ऊर्जा अधिकतम होती है, और रक्त क्षेत्र में, बैगनी क्षेत्र में, लाल क्षेत्र में, नीले क्षेत्र में। तो फोटोन की ऊर्जा अधिकतम किसमें होती है, फोटोन की ऊर्जा जो है अधिकतम किसमें होती है, बैगनी क्षेत्र में होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। तरंग दैर्ध्य तरंग सिद्धांत के द्वारा व्याख्या नहीं होता किसका, ध्रुवन का, विवर्तन का, परावर्तन का, प्रकाश विद्युत प्रभाव का। तो तरंग सिद्धांत के द्वारा व्याख्या नहीं होता है किसका, नहीं हम लोग व्याख्या करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये भी सवाल बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सौर स्पेक्ट्रम उदाहरण है किसका, सौर स्पेक्ट्रम उदाहरण है रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का है, बैंड अवशोषण स्पेक्ट्रम, रेखीय अवशोषण स्पेक्ट्रम, लगातार स्पेक्ट्रम, यानी किसका है। तो ये जो उदाहरण दिया गया है आपके बुक में, ये जो उदाहरण है ये रेखीय अवशोषण स्पेक्ट्रम की है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। कहता है द्रव्यमान संख्या बढ़ती है तो पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है, द्रव्यमान संख्या बढ़ती है तो पृष्ठीय क्षेत्र भी क्या होता है, यहाँ पे बढ़ता है, बिल्कुल ऑप्शन बी राइट है। और आज का लास्ट सवाल, इसका जवाब आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में देंगे कि नाभिक का आयतन समानुपाती होता है ए क्यू के, रूट अंडर ए के, या ए बाई वन बाई ए क्यू के। तो नाभिक का आयतन समानुपाती होता है किसका होता है, ए के समानुपाती होता है। तो आज टोटल के टोटल 70 प्रश्न मात्र कुछ ही मिनटों में इसको खत्म करने का मैंने प्रयास किया है। आप लोगों का यह सवाल, आज का सवाल कैसा लगा, आज का क्लास कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों भाई बहन को वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी 2024 के लिए 90% लाने में सक्षम हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद जय भारत।